हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज योर अथर्व भैया। और यार हमारी हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हो चुकी है। मैंने चैनल के ऊपर एक कम्युनिटी पोल डाला था कि मुझे बताओ कि आपके एग्जाम्स कैसे गई है, और मुझे रिजल्ट एक्सपेक्टेड था। मुझे पता था कि मैक्सिमम बच्चों की हाफ ईयरली एग्जाम्स अच्छी नहीं गई होंगी, और वही चीज हुई। मोर देन 80% बच्चों की हाफ ईयरली एग्जाम्स अच्छी नहीं गई थी। मैंने जो पोल डाला था उसका ये रहा रिजल्ट। अब यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैथ बेकार गया, साइंस बेकार गया, सोशल बेकार गया, लेकिन एक चीज जो कि मुझे काफी ज्यादा जो है वो हिट की वो ये थी कि मैक्सिमम कमेंट्स में यही था कि भैया बोर्ड बेकार जाएगी, अब बोर्ड खराब जाएगी। मेरे पास ढेरों मैसेजेस आए इंस्टाग्राम के ऊपर कि भैया बोर्ड तो बहुत बेकार जाएगी, मैं बोर्ड से फेल हो जाऊंगा। और ऐसा ही मैसेज मैं आज तुमको एक पढ़ के बताने वाला हूँ, और इसीलिए मैंने स्पेशली आज ये वीडियो तुम्हारे लिए बनाया है। ठीक है, इस वीडियो की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो तुम्हारे साथ अगले 4 महीने रहेगा। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, पर ये वीडियो तुम्हारे साथ अगले 4 महीने रहेगा, क्योंकि हर एक लाइन इस वीडियो की तुमको कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पे याद आ रही होगी। ठीक है, तो मेरे पास एक मैसेज आया, भैया हाफ ईयरली एग्जाम तो बहुत गंदी गई, मेरे 65% आए हैं एंड मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था ये। मैं ये मार्क घर पे भी कैसे बताऊं, मुझे शर्म आ रही है, अब तो मैं बोर्ड से फेल हो जाऊंगा भैया, ऐसे तो प्लीज टेल अ सॉल्यूशन, आई वांट टू स्कोर बेटर। ऐसे ही ढेरों मैसेजेस मेरे पास आए। बाय द वे, अगर आप चाहते हो मुझे मैसेज करना या फिर अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करके मुझे वहां पर जो है मैसेज सेंड कर सकते हो। मैं जरूर से ट्राई करूंगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड हम लोग आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को टाइम टेबल के ऊपर एक वीडियो चाहिए फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, तो मुझे बताना जरूर। आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन इट। मैं कोई ऐसा वैसा वीडियो अपलोड नहीं करूंगा 7 बजे उठ जाओ, 8 बजे जो है वो उठ जाओ, नाश्ता कर लो। भाई प्रॉपर डेडिकेटेड एक प्लानर की बात करेंगे जो कि आप बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से फॉलो कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगा, अगर नहीं चाहते हो तो भाई जो तुम चाहते हो वही चैनल के ऊपर आता है। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, अब जो है जरा सा हम बात करते हैं हमारी बोर्ड एग्जाम्स हाफ ईयरली को लेकर। तो भैया पहली चीज तो ये है कि मैं बोर्ड में फेल हो जाऊंगा, मतलब अब तो मैं गया, टोटल फिनिश, सब कुछ खत्म हो गया, अब तो मेरे को बहुत सेल्फ डाउट हो रहा है। मेरी जान, एक बात मैं तुमको पहले ही क्लियर कर दूं, ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना, तुम्हारा बड़ा भाई होने के लिए तो तुम समझो कि तुमको डांट रहा हूं या फिर समझा रहा हूं, तुमको जैसे भी इसको लेना हो, पर प्लीज इस चीज को ध्यान रखना कि हाफ ईयरली एग्जाम्स और फाइनल एग्जाम्स का डायरेक्ट रिलेशन बिल्कुल नहीं है। पहली बात, कैसे बोल रहे हो भैया ऐसे, हाफ ईयरली एग्जाम्स इंटरनल में मार्क्स जुड़ते हैं उसके? हाँ जुड़ते हैं, वो मैं तुमको आगे बताऊंगा, लेकिन हाफ ईयरली और बोर्ड्स की बेस, मतलब हाफ ईयरली के बेसिस पर तुम बिल्कुल ये जज नहीं कर सकते हो कि तुम्हारे बोर्ड्स में कैसे नंबर आएंगे। उसका रीजन मैं तुमको बताता हूँ। अपनी बोर्ड एग्जाम्स के पहले जो है वो प्री बोर्ड्स होती है, ठीक है, और मैक्सिमम बच्चों की प्री बोर्ड्स के अंदर भी खराब नंबर आते हैं। मतलब तुम सोचो कि बोर्ड एग्जाम से 1 महीने पहले भी बच्चों के खराब नंबर आते हैं, किसी के 75% आ रहे हैं, किसी के 80% आ रहे हैं, लेकिन बोर्ड में बच्चे मचा के आते हैं, 90% फोड़ रहे हैं, 95% फोड़ रहे हैं, 96% फोड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या प्री बोर्ड्स के मार्क्स ने उनके बोर्ड्स के मार्क्स को डिसाइड किया? और हालांकि प्री बोर्ड जो होती है वो बोर्ड से ज्यादा टफ होती है मैक्सिमम स्कूल्स में, क्योंकि स्कूल यही ट्राई करता है कि भाई तुमको थोड़ी सी हायर डिफिकल्टी जो है वो दे पाए जिससे कि तुम बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो क्या प्री बोर्ड्स के बेसिस पर किसी की बोर्ड्स के मार्क्स डिसाइड हुए क्या? नहीं हुए ना। वैसे ही हाफ ईयरली के बेसिस पर आपके फाइनल एग्जाम्स के मार्क्स डिसाइड नहीं होते हैं, ये प्लीज अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। तुम्हारे पास और बहुत सारे मौके आएंगे एग्जाम्स देने के, वो भी मैं तुमको बताता हूँ आगे जाके, पर ये अगर तुमको थॉट आ रहा है कि अगर हाफ ईयरली बिगड़ गई तो बोर्ड से फेल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तुमको सेल्फ डाउट हो रहा होगा, मैं जानता हूँ और मुझे पता है कि होता है, मुझे भी हुआ था। मैं तुमको मेरी स्टोरी शेयर करता हूँ। भाई मुझे 10th में हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर बोर्ड, मतलब 10th क्लास के अंदर हाफ ईयरली में 80 में से 50 मार्क्स आए थे, 50। फर्स्ट टाइम एवर मैंने इतना लो स्कोर किया था, ठीक है, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा अब तो मैं गया मैथ्स के अंदर, अब तो मैं मैथ्स से फेल हो जाऊंगा, लेकिन वही मैंने फाइनल एग्जाम्स के अंदर 80 में से 76 स्कोर किया था, ठीक है, 80 में से 76 स्कोर किया था। जिस बच्चे ने 80 में से 50 किया था, उस बच्चे ने 80 में से 76 स्कोर किया था। अब तुम खुद सोचो कि यार मेरे हाफ ईयरली में आए थे 50 और रिजल्ट आ रहे हैं 76, क्लास में वन ऑफ द हाईएस्ट। अब तो क्या मैं बैठ गया था कि हाफ ईयरली के मार्क्स को देख के? मैं भी बैठ गया था भाई, मुझे भी डर लग रहा था कि भाई अब तो हो गया, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्री बोर्ड्स आई, प्री बोर्ड में इतने अच्छे नंबर नहीं आते किसी को, लेकिन फाइनल एग्जाम्स में यू स्कोर मच बेटर, मच 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 बेटर, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इंटरनल्स को लेकर, भैया इंटरनल्स में तो हाफ ईयरली के मार्क्स जुड़ते हैं, हाँ जुड़ते हैं, लेकिन सिर्फ हाफ ईयरली के नहीं जुड़ते हैं, आपकी इसकी पहले की जो टेस्ट हुई होती है, इसके बाद जो टेस्ट होने वाली है, उसके भी नंबर जुड़ते हैं। तो सिर्फ हाफ ईयरली के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, आपकी जो भी इंटरनल टेस्ट होती है, असाइनमेंट्स होता है, होमवर्क वगैरह जो भी सब मिला के होता है, वो मिला के आपका इंटरनल बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखना यार, कि कोई भी स्कूल ये नहीं चाहता है कि उसका रिजल्ट बिगड़े, ठीक है।
तो कोई भी स्कूल ये नहीं चाहता है कि उसका रिजल्ट खराब आए, बेकार आए। स्कूल्स हमेशा यही चाहते हैं कि उनका रिजल्ट अच्छा आए। स्कूल कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी टेंथ की सारी बैच के नंबर खराब आए तो सबको इंटरनल में कम नंबर देते हैं। स्कूल्स हमेशा यही ट्राई करते हैं कि वो आपको इंटरनल्स में अच्छे नंबर दे पाए। आपको ऐसा नहीं कि मतलब फर्जी नंबर चढ़ा दिए, पर ऐसा है कि भाई अच्छे नंबर दे पाए, आपको अच्छे से अच्छे नंबर दे पाए, आपको बेटर से बेटर नंबर दे पाए, जिससे कि एक तो स्कूल के जो स्कूल का जो रिजल्ट है वो भी खराब ना हो और आपका जो बोर्ड का रिजल्ट है वो भी खराब ना हो। क्योंकि स्कूल्स कहीं ना कहीं ये जानते हैं, ठीक है, स्कूल तुम्हारी बुराई नहीं चाहते, स्कूल्स कहने के ये जानते हैं और स्कूल्स ट्राई करते हैं कि आपको इंटरनल्स में अच्छे नंबर आए। इसका ये मतलब नहीं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, इसका ये मतलब है कि भाई स्कूल तुम्हारा दुश्मन नहीं है। पहली बात, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया हमारे टीचर तो ऐसे, हमारे टीचर तो वैसे, हमारा स्कूल तो ऐसा है, पर कहीं ना कहीं यार स्कूल्स नहीं चाहते कि उनके बोर्ड का रिजल्ट जो है वो खराब हो। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इंटरनल्स में स्कूल ट्राई करता है कि वो आपको अच्छे से अच्छे नंबर दे पाए, ठीक है। तो इसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो कि तुमको अगर हाफ फेल में बहुत कम नंबर आए हैं तो तुम्हारा जो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स का जो सब कुछ है वो बिगड़ गया, नहीं है ऐसा, ठीक है। अभी तुम्हारे पास बहुत समय है बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, इंटरनल्स को एक कुछ मैं तुमको बता रहा था कि यार अब जो तुम्हारी एग्जाम्स आएंगे ना, ट्राई करोगे तुम उसमें अच्छा कर सको, ठीक है। ट्राई करोगे जो PT3 PT4 या फिर PT2 आने वाली, तुम्हारी जो भी एग्जाम्स आने वाली उसमें तुम अच्छा स्कोर करो, बेटर स्कोर करो, क्योंकि उससे भी तुम्हारे इंटरनल्स पर फर्क पड़ सकता है। असाइनमेंट सही टाइम पर सबमिट कर दो, ठीक है, समय समय पर जो है वो, मतलब आप टीचर के गुड बुक्स में रहो। ये मत करो कि यार लड़ाई कर लिए, कर लिया वो कर लिया, तो मतलब ऐसा है कि ऑल इन ऑल सिर्फ हाफ ईयरली के बेसिस पर किसी की भी बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स डिसाइड नहीं होते। मेरी जान, मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत ही मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर बोर्ड वाली क्लास में 10th और 12th के अंदर ये थॉट आता है, तो ये थॉट अपने दिमाग से प्लीज हटा दो। ऑलराइट, वेरी गुड। अच्छा, अगर आपको चाहिए कि भैया अगले 4 महीने में कैसे पढ़ना है, तो मैंने उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो अपलोड कर रखा है, डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर रखा है, वो आप जाकर देख सकते हो। एक छोटा सा क्रक्स मैं उस वीडियो का बता देता हूँ कि यार ऐसा नहीं कि हाफ ईयरली से कुछ सीखना मत, सीखना जरूर, ये सीखना कि तुम्हारी गलतियां कहां पर हुई है, और ये जो अगले 4 महीने है ना, ये उन गलतियों को सुधारने के लिए। हो सकता है कि आपकी मैथ में गलतियां हुई हो, साइंस में गलतियां हुई हो, सोशल में हुई हो, ठीक है, तो उनको रेक्टिफाई करो, उनको करेक्ट करो। हो सकता है कि शायद आपने बिल्कुल टाइम पर पढ़ा हो तो अभी थोड़ा सा पहले पढ़ना चालू कर देना। हो सकता है कि आपकी प्रेजेंटेशन में मिस्टेक्स हुई हो तो अपना प्रेजेंटेशन सुधारना। तो ये हाफ ईयरली वाला फेज आपको सिखाता है चीजों को और आपको उन चीजों को बस रेक्टिफाई करना है अगले 4 महीने में, दैट इज इट, ठीक है। तो भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कोई भी टेंशन अपने दिमाग पर लेकर मत चलो कि हाफ ईयरली बिगड़ गई तो भाई बोर्ड में गया अब तो बहुत ही बेकार जाएगा। हो जाएगा सब, अच्छे से हो जाएगा, और मैं हूं मान साहब, ठीक है, हम साथ में लड़के मिले फाइट करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। कि तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि यार इस पॉइंट पर लगता है कि भैया आप तो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता, और तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जितनी में भी एग्जाम्स आएंगी तुम उसमें अच्छा परफॉर्म करना, अच्छा स्कोर करना, बोर्ड में अपने आप तुम्हारे मार्क्स अच्छे हो जाएंगे, ठीक है मेरी जान। अब कोई टेंशन नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक बढ़िया सा कॉमेंट नीचे छोड़ देना कि भैया हम बोर्ड में फोड़ देंगे, बोर्ड में आग लगा देंगे, जैसे भी तुम चाहो, पर यार बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना अपने को, ठीक है। रात गई बात गई, छोड़ दो उस चीज को, आगे पे फोकस करो, अगले आने वाले समय पर फोकस करो, ओके। दैट बीइंग सेड यार, एक या दो दिनों के अंदर मैं एक और बहुत जबरदस्त वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसका टाइटल मैं तुमको बता देता हूँ क्या है, वो है आपका हुक्म सराखों पर, ठीक है। बस आप इससे ही आप समझ जाओगे कि क्या है और क्या चीज मैं ला रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, वो हिंट ये है कि यार जो तुम बोलते हो ना वही होता है, इस चैनल के ऊपर जो तुमने रिक्वेस्ट किया है वही होता है, और अथर भैया जो तुम बोलते हो हमेशा वही लेकर आता है, ठीक है। तुम्हारी जो भी रिक्वेस्ट है वही लेकर आता है, तो उसी के ऊपर वो एक वीडियो आने वाला है, 2 दिन में आ जाएगा, ठीक है, तो देखना जरूर और तुमको पता चल जाएगा उसके अंदर क्या है, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, नो टेंशन, नो परेशानी, बिल्कुल फोड़ना है बोर्ड्स के अंदर, हाफ ईयरली एग्जाम्स गई सो गई, जाने दो, अभी एग्जाम्स जो हमारी बोर्ड वाली आने वाली है उसमें हम फोड़ के आएंगे और चिंता नहीं करनी। और बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स में इस वाली बैच का बिल्कुल दबदबा होना चाहिए कि भाई साहब 22-23 वाली बैच ने तो आग लगा दी, क्या रिजल्ट निकाले हैं, है कि नहीं। अरे साथ में पढ़ेंगे यार, बिल्कुल मजे करेंगे फिर रिजल्ट वाले दिन, बिल्कुल ऐसे मैं ट्राई करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ जो है वो इस चीज का सेलिब्रेशन कर सकूं, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर।